नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, सभी को चैत्री नवरात्रि की ढेरों 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 शुभकामनाएं। आज 22 मार्च है और बुधवार है। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय का नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुद्ध और पवित्र दिन होते हैं। इन दिनों में आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल आपको जबरदस्त मिलता है। और वैसे भी आज ब्रह्म योग है, शुक्ल योग है, इसकी वजह से ये उपाय और भी ज़्यादा कारगर साबित होगा। आज दोस्तों 22 तारीख है, मतलब 2+2=4, मतलब आज 4 का अंक है। 4 का अंक होता है राहु का। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को करने से राहु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। राहु आपके ऊपर प्रसन्न है मतलब कलयुग में राहु की कृपा दोस्तों जिसके ऊपर बरसती है उसके पास धन दौलत का ढेर लग जाता है, ये सब जानते हैं। आज के दिन आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। ये उपाय अतुलित धन प्राप्ति का है। चाहे आप नवरात्रि कर रहे हो या ना कर रहे हो, व्रत उपवास कर रहे हो या ना कर रहे हो, इसका इस उपाय से कोई लेना देना नहीं है। फिर से बता दूं, और हाँ, आप इस उपाय को, हाँ, जो दिया बत्ती वगैरह लगानी है, अगरबत्ती लगानी है, वो आपको नहा धोकर के स्वच्छ होकर के लगानी है। लेकिन जो बिखेरना है रात को, उसमें आपको, आपने स्नान किया है नहीं किया है, आप किसी भी अवस्था में उस क्रिया को कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपना नंबर वीडियो में देना शुरू कर दिया है, जो चालू वीडियो में फ्लैश हो रहा है। यदि आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें और सीधे सीधे वीडियो कॉल पर मुझसे बात करें। चलिए, आज के दिन आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और आज इस उपाय को करने से इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आज ब्रह्म योग है, शुक्ल योग है, तो आज ये उपाय बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे करके जाएगा। आज के दिन आपको मुंह में जीरा रखना है। आप किसी भी काम से घर से निकले, मुंह में जीरा रखें। आज आप जीरे की पुड़िया सुबह से अपनी जेब में रख लें और संध्या समय आप उसको अपने घर के नैऋत्य कोने में थोड़ा सा कोयला जला दें और उस कोयले में आप उस जीरे को डाल दें, उसका धुआं आप घर में होने दें। घर के नैऋत्य कोने में आज आप 4 अगरबत्ती चंदन की लगा दें। शिवजी के मंदिर में या फिर घर में दुर्गा जी के सामने आप 4 अगरबत्ती चंदन की आज जला दें। राहु की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बरसेगी। आज के दिन आप यदि चंदन का पौधा अपने घर में लेकर के आते हैं और ला करके उसको लगाते हैं तो उससे भी राहु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। आज रात सोने से पहले थोड़ा सा जीरा घर में आप जमीन पर गिरा दें और यदि पालक हो आपके घर में थोड़ी सी पालक गिरा दें। सुबह इसको झाड़ू से साफ करके उठा करके बाहर फेंक दें। आज की रात घर में जीरा यदि आप बिखेरते हैं तो भी दोस्तों आपके घर में धन प्रचुर मात्रा में आता है। तो छोटा सा काम है, आज के दिन जरूर करें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।